फाल्गुन माह में हरियाणा के पानीपत से रविवार सुबह चुलकाना धाम के लिए श्री श्याम ध्वजा पद यात्रा निकाली जा रही है। तड़के 3 बजे से इस यात्रा को शुरू किया गया है, जिसमें जिला भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इसमें कई गाड़ियों में डीजे भी लगाकर खाटू श्याम का गुणगान करते हुए श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए कई घंटों में चुलकाना धाम तक पहुँचते हैं। पूरे रास्ते जगह जगह सैकड़ों जगह खाने और पीने के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके साथ श्याम भक्तों की सेवा और मंदिर परिसर में 56 भोग का प्रसाद दिया जाएगा। श्याम भक्त पैदल ही चुलकाना धाम पर करीब 25 किलोमीटर पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं की वापसी के लिए वाहनों और ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। श्री श्याम धाम ट्रस्ट पानीपत के प्रधान प्रमोद मित्तल ने बताया कि 17 मार्च को जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा बाबा जोध सचियार से अल सुबह 4 बजे शुरू हुई है। यह ट्रस्ट की 6ठी यात्रा है। इस बार करीब 21,000 श्याम भक्त यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने यहां निशुल्क श्याम निशान बना दिया गया है। श्याम भक्त यहां से पैदल ही चुलकाना धाम पहुंचेंगे। उनके दर्शनों की भी व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ सदस्य पूर्व पार्षद सुरेंद्र गर्ग ने बताया कि पानीपत से चुलकाना तक कई पड़ाव रखे हैं। 6 फूड वैन चलाई गई हैं। इसके साथ 4 डीजे की व्यवस्था की जाएगी। जीटी रोड के वाहनों को देखते हुए स्वयंसेवक ड्यूटी पर है। इसके साथ पुलिस और प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है। जानकारी देते हुए जेजेपी कार्यकर्ता अमित रंगा ने बताया कि वह अर्जुन नगर का रहने वाला है। उसकी 4.5 साल की बेटी वानी रंगा है, जो कि नर्सरी कक्षा में पढ़ती है। वह रविवार सुबह करीब 4:15 बजे अपनी पत्नी आशा रंगा और बेटी वानी सहित चुलकाना धाम पैदल यात्रा के लिए घर से निकला था।